सीबीआई का शिकंजा भी कस गया है। गोमती रिवर फ्रंट को लेकर सीबीआई ने सरकार से शिवपाल को लेकर जांच शुरू करने के लिए मंजूरी मांग ली है। शिवपाल यादव और दो अफसरों की भूमिका की संदिग्ध जांच पड़ताल भी शुरू हो गई है। सीबीआई ने सरकार से जांच के लिए अनुमति मांगी है। जिस समय रिवर फ्रंट घोटाला हुआ था उस समय शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री हुआ करते थे। हालांकि शासन ने फैसला लेने के लिए रिकॉर्ड तलब किए हैं और किसी भी समय सीबीआई को सरकार से हरी झंडी मिल सकती है। रिवर फ्रंट घोटाले मामले में सीबीआई की तरफ से कई इंजीनियर्स को भी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अचानक से अपेक्षा क्या किया जा सकती है, और जितना भी मैंने काम किया है जनहित में, जनता के हित में सब काम किया, और जितना भी काम हुआ है अच्छे से हुआ है, तो उसमें कोई कमी है नहीं। तो भी रिवर फ्रंट की बात या सीबीआई ईडी की बात हो रही है, वो कैबिनेट का फैसला है। और समाजवादियों की केवल इतनी गलती हो गई कि जो रिवर फ्रंट गुजरात में बना था साबरमती, उससे बेटर बना है। और आपकी जानकारी में होना चाहिए, और कागज़ आप देखिए, जो आर्किटेक्ट साबरमती का था, जो कॉन्ट्रैक्टर साबरमती के थे, वही आर्किटेक्ट वही कॉन्ट्रैक्टर यहाँ थे। तो भारतीय जनता पार्टी को ये बताए कि डिफेंस के बड़े बड़े ऑफिसर्स आए थे, बड़े बड़े अधिकारी आए थे, आपने जो शो किया था, आपने रिवर फ्रंट पे शो क्यों किया, क्यों किया इसने? अगर ये करप्शन था, ये खराब बना था, डिजाइन खराब थी, केवल बीजेपी का लक्ष्य बदनाम करना। सीबीआई रिवर फ्रंट मामले की जांच कर रही है, और ऐसे में अगर सीबीआई शिवपाल सिंह यादव या सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए अगर अनुमति मांगती है तो इसके राजनीतिक निहितार्थ नहीं निकाले जाने चाहिए। समाजवादी पार्टी आज जब मैनपुरी में पूरी तरह से परेशान है तो जानबूझ करके ऐसे तमाम मुद्दों को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रही है। क्या चुनावों को देख करके जांच एजेंसियां अपना काम करना बंद कर दें? तो शिवपाल